अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आ चुके हैं हम लोग नया व्लॉग लेके। आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही दूर। ओ यार, झील तक ही ना उमेर भाई। यस, आज हम जा रहे हैं नहर पे, इसी गुल नाम है। आज वहाँ पे जा रहे हैं जो दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे मैंने सुना है आती है। मुझे नहीं पता, चैट में कोई चवल ना मार दे, जो सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने के लिए ओपन होती है। वैसे तो उस पर ठंडी रहती है, वो स्लाइडिंग के लिए, लैंड स्लाइडिंग समझते हैं, वो होता है। सो अभी हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं, आज उतर ही रहेंगे। मज़ा आएगा इस व्लॉग का, ये स्पेशल व्लॉग है। ये सबसे महंगा और एक्सपेंसिव एंड लंबा एंड दूर जाने वाला व्लॉग है। बिकॉज ऑफ दैट आई विल गो। सो पब्लिक, सीन ऐसे हैं, घर से निकले हुए 1 घंटा हो गया है, सफ़र अभी 4 घंटे हो रहा है। मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ की रोडें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे 70 से ऊपर कोई जाके राजी नहीं है। हर जगह पे पुलिस खड़ी होती है। ये स्पेन वाला सिस्टम है नहीं। स्पेन पे भाई जो बड़ा रोड है ना, उस पर आप 170 की स्पीड से जाओ, मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कैमरे जगह जगह पता होता है किधर लगे। कोई पता नहीं किधर कोने में पैच पाकिस्तान की तरफ की तरह खलोते होते हैं, पैसे लेके चलो। ये बड़ा मसला है। डंगर आ गए, एक कद्दू आई है पीछे, कहाँ कद्दू जी अपनी। ये तेल पाकिस्तान में जा रहा है, सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बात ये करनी थी पब्लिक, अभी हम लोग रास्ते में और हुआ सीन कुछ ऐसे है। रास्ते में जाते हुए ना हमारी गाड़ी हो गई है ख़राब। अब लोग बोलेंगे चवल गरीब गाड़ी में गया था। नहीं, सीन ये है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन हुआ ये है कि ख़राब नहीं हुई। ये इलेक्ट्रॉनिक कार समझते हो, ये टेस्ला टाइप। तो इसकी ना नीचे एक शीट लगी होती है गाड़ी के नीचे, इंजन का मसला ना हो। इसी जगह हमें जंप लगा, जिससे ना प्लेट नीचे वाली इसकी खुल गई है। इसको ठीक करवाने के लिए हम एक जगह रुके हैं, इंशाल्लाह 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम फिर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। यार नजर आ रहा है कोई नहीं है, ये देख सकते हो, ये देखो ये प्लेट इसकी खुल गई है। वो ना, अब जब रोड पे गाड़ी चलती है ना, तो ये नीचे लगती है, देख लो गाड़ी कितनी नीचे है। गाड़ी का मॉडल केड़ा, केड़ी का कंपनी है, इन्हें गाड़ी केड़ी है, टेस्ला है, बिजली वाली लाइट चलती है, बिजली पे अच्छी गाड़ी है। लेकिन खराब होने वाली चीज़ आपको पता, कहीं पे भी खराब हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। आई होप ही विल बी द फिक्स ऑन सून, इम्पॉसिबल। अच्छा, एक और बात बतानी थी, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, मोबाइल उल्टा पकड़ के लगा हुआ, मतलब कुछ भी। मैं बताता कि थक गया हूँ, आई एम यूट्यूबर, आई एम टिकटॉकर, आई एम स्ट्रीमर, आई एम फेसबुकर, आई एम इंस्टाग्रामर, बट कोई भी समझ नहीं रहा इस बात को, सब देख रहे हैं। आए हेलो, अच्छा छोटा शर्मा गया, वो देखी डर गई। तो मैंने बोला कि अभी तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, कोई शर्मा के अंदर तो आ गया यार, कुछ भी मतलब उसको लोग को पता ही नहीं। यहाँ से अब नीचे इसकी सेटिंग करेंगे पब्लिक, मुझे नहीं पता। अच्छा ये मसला कर रहा है, ये ख़राब हुआ है पब्लिक। वो तो सामने आप देख रहे हैं, वो बोलो झील स्टार्ट हो चुकी है। ये झील पिछले 15-20 मिनट से स्टार्ट हुई है, मुझे याद नहीं रहा ना। तो ये झील जिधर हमने जाना है, तकरीबन 45 मिनट तक ये झील रोड के साथ चलती है। तो अभी हम अपने पॉइंट पर नहीं पहुँचे, जिधर मतलब स्टे करना है वहाँ पर नहीं पहुँचे, मतलब ये उससे पीछे है। बताने का मकसद ये है कि ये दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे आती है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन ये तो बड़ी झील है, काफ़ी बड़ी है, मतलब रोड के साथ गाड़ी पे 45 मिनट तक ये साथ साथ चलती रहती है। आप पहुंच के फिर आपको बता दें। फाइनली गाइजेस, हम लोग पहुंच आए हैं यहाँ पे, जिस जगह पे हम लोगों ने आना था यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा अपना रूम चेक करने, क्योंकि रूम मोस्ट इम्पोर्टेंट देन अदर्स। सो अभी हम रूम देख रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे, मतलब मिल गया है, अब वो चेकआउट करने जा रहे हैं। मकान कमरा हमें मिल चुका है, मसला ये हुआ है कि मिला बहुत लेट है, अभी बाहर तो जा नहीं सकते, शाम का टाइम है, 9:30 हो गए, भूख बहुत लगी थी, 5 घंटे का सफ़र करके आए थे, अभी हम लोग खाने लगे हैं खाना, बड़ी दूर से आए थे, सुबह नाश्ता भी हमने किया क्योंकि जल्दी में निकला है। ये अभी हमारी चाय आई है, अभी चाय पी रहे हैं हम लोग। सामने अपने चीमा साहब व्लॉग जा रहे हो सर, बिग फैन, कोका कोला आई है हमारी। यार पब्लिक, मुझे ये चाइनीज बहुत पसंद है, ये मैंने स्पेशल अपने लिए मंगवाया है। यार चाइनीज में समझदार है, मैं चाइनीज समझ के मंगाई है बॉस, लेकिन इधर जड़ना डिश है ना, ओके चाइनीज स्टाइल कह रहा, ओके ओके मज़ेदार, अच्छा लग रहा है।
दिस इज द मुर्गी यू नो इट्स चिकन 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 लेग पीस चिकन मींस व्हाट दिस इज चिकन टिक्का असली जिस टाइम वीडियो बना लगे पै तीसरी कलर ही रुक गया रात का समय क्योंकि हम लेट हो गए हैं अभी तो सब कुछ बंद हो गया है मतलब बीच वाला सीन ख़त्म हो गया अब सुबह उठ के बनाऊंगा क्योंकि लेट हो गए यार बहुत ना मस्ती मस्ती में घर से लेट निकले फिर रास्ते में थोड़ा टाइम लग गया फिर कमरा नहीं मिला तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया चीज़ें चेक करो छोटी की बच्चियाँ भी चेक करो दो माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है बच्ची अभी मैं ऊपर जाने लगा हूँ इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अभी रेडियो जाएगा ऊपर हवा की आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ेगा वो बोर्ड पे यॉट पे कुछ हो रहा है मस्ती मजाक चेकआउट कर सकते हैं आप लोग आई थिंक वहाँ पे कोई पार्टी है 6.5 hours later गुड मॉर्निंग एवरीवन आ चुके हैं नए दिन के साथ पुराना व्लॉग लेके बिकॉज रात को हमने बताया था आप सुबह हम निकले सो के उठे 10 बज चुके हैं अभी नाश्ता करना है उसके बाद जाना है बीच पे तौलिया मैं लेके आया हूँ समझ रहे हो अभी हमने थोड़ा नाश्ता करना है किसी जगह पे देखते हैं कहाँ पे नाश्ता करना है फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना है बीच पे वहाँ पे होगी थोड़ी मस्ती मजाक लेट्स सी ये जगह अभी हम लोग जाने लगे हैं आगे बीच पे बीच यहाँ पे नीचे वाली साइड पे लेट्स वेट एंड वॉच देखते हैं बीच की क्या कंडीशन होगी नाश्ते का टाइम हो चुका है पब्लिक अभी हम नाश्ता करने ही वाले थे कि मुझे याद आ गया मैं आप लोगों को बता दूं जिंदगी में नाश्ता सबसे पहला है बेशक अपने नहाना है नाश्ता थोड़ा बहुत करके जाया करो अभी हम नाश्ता कर ले फिर मिलते हैं उसके बाद मैंने पता कितने जाना वो सामने ये रात को घूमन हमें अब तो मुश्किल है लेकिन अभी देखते हैं छोटे के काम चेक करो तो क्या सोचा था नहीं लुट वो लड़ने लगी ओए तेरी पांडी असी की है मतलब क्या समझा हुआ चेक कर रहे हो इल्ल है बात है इल्ल है अच्छा यार तुसी फोटो बना लो जी मैं सोच रहा हूँ पता है क्या करने के लिए वो देख रहे हो सामने मैं सोच रहा हूँ ये मैं चक्कर लगाऊँ क्या कहते हो कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि रेडियो चक्कर लगा के आए इसको पता रेडियो उड़ के जा सकता है उड़ के और यहाँ पे छोटे बच्चे बूढ़े जवान सब नहाते हुए मेरा बार बार इस चीज़ पे दिल कर रहा है कि मैं उड़ जाऊँ हवा में लेट्स वेट एंड वॉच देखते हैं क्या करते हैं जनता नहा रही है पब्लिक आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ये वो वाला यूरोप वाला बीच नहीं है ये मतलब समझ रहे हो अलग लेवल का ये झील है झील को इन्होंने बीच बनाया हुआ है अच्छा इस बोर्ड के ऊपर इन्होंने बांधा हुआ है उसको वो जो जा रहा है ऊपर उड़ रहा है जो जिसके ऊपर बंदा हुआ है और ये रेडियो पानी की गहराइयों में पहुंचते हुए पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है लेकिन कोई बात नहीं आई विल ट्राई माय बेस्ट 99 अदर्स अभी कुछ लोग राइडिंग के लिए निकल रहे हैं आगे पीछे घूमने के लिए हम भी कुछ निकलेंगे थोड़ी ही देर में यहाँ पे अभी सिचुएशन चेक करेंगे नहाने की मैं खैर कभी नहाया नहीं हूँ लेकिन आज ट्राई करते हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंड नहाने का इरादा या नहीं यार नहाने के लिए आए हैं तो लड़कियाँ स्पेन में नहीं है लड़कियां बहुत हैं अच्छा सबको बता दो ये कौन है मेट भी धार ये इनकी दोस्त है उमेर भाई की ये साथ आई है ये यहीं पे रहती है तो ये यहां पर विजिट करवाने के लिए विजिट मतलब ये है कि इसको सारे इलाके का पता है तो इसलिए ये हमें साथ घुमाने के लिए आई है फंसाने की मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी लेकिन नहीं फंस रही अभी तक आई विल ट्राई बेस्ट फॉर द मेकिंग द इंग्लिश वाज फिनिश ओके तो अभी हम लोग देखते हैं आगे जाके क्या बनता है पब्लिक सीन ऐसे हैं अभी मैंने नहाना है लेकिन मसला ये कि व्लॉग अपलोड करना है तो व्लॉग अभी मुझे और बनाना है तो इसलिए मुझे ना ये व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मैंने अभी नहाना है उसके बाद व्लॉग और बनाएंगे लेकिन आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट जो है ना बाद में हम अपलोड कर लेंगे अभी हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज अगर ना स्टॉप किया तो फिर व्लॉग अपलोड करने के लिए कोई है नहीं तो मुझे इसलिए यहीं पे खत्म करके नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करता हूँ ठीक है सो सी यू टू लेटर